हेलो दोस्तों, लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशांत आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेके आज हम लेके आए हैं डेल इंस्ट्रॉन 7435 सीरीज का लैपटॉप जो टच एंड टू इन वन के साथ डेल ने लॉन्च किया है। राइजन 5 7000 सीरीज 8GB और 512GB के साथ डेल ने इसको लॉन्च किया है। तो चलिए दोस्तों, आज हम करते हैं लैपटॉप की अनबॉक्सिंग डेल के इंस्ट्रॉन की। दोस्तों, लैपटॉप हमने अनबॉक्स कर लिया है। डेल इंस्ट्रॉन 7435 सीरीज का ये लैपटॉप है। इसमें एएमडी 7000 सीरीज है। लैपटॉप ओपन करते हैं। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि लैपटॉप में आपके बॉक्स में क्या क्या है। इसके साथ आपको मिलता है टाइप सी चार्जर 65 वॉट का प्रीमियम पावर केबल और साथ में है इसके स्टाइलस पेन। इसकी स्क्रीन पे आप अगर टच पे यूज करना चाहें तो आप इस पे कर सकते हैं। तो ये है हमारा लैपटॉप। देखिए, सबसे पहले अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो मेटल फिनिश के अंदर ये आपको लैपटॉप मिलता है। इसके तीनों पार्ट ए और बी और सी के हम तीनों पार्ट ही इसमें मेटल फिनिश में आपको मिलते हैं। थोड़ा सा वेट मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है इसका। मैंने चेक किया इसका वेट, नॉर्मली 14 इंचेस के अंदर 1.4 केजी वेट होता है, लेकिन इसका अप्रोक्सीमेटली 1.53 केजी वेट आता है। अगर मैं इंस्पिरॉन के 7000 सीरीज की बात करूं तो अभी तक जो डेल के 7000 सीरीज आ रही थी उसकी जो थिकनेस थी बड़ी कम थी, बड़ी स्लिम थे, लेकिन अगर मैं ये लैपटॉप देख रहा हूं तो इसकी थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा है। लैपटॉप के लेफ्ट साइड में देखते हैं डेल ने कौन कौन से पोर्ट दिए हैं। जो सबसे पहला पोर्ट दिया है वो है 3.5mm का ऑडियो जैक, जो आप अपने स्पीकर्स, हेडफोन, माइक आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। साथ में दिया है यूएसबी टाइप ए 3.2 जेन 1, जिससे आप अपने प्रिंटर या कोई भी यूएसबी डिवाइस आप इससे अटैच कर सकते हैं। उसके साथ आपको मिलता है एसडी कार्ड रीडर। राइट साइड में देखते हैं पोर्ट। सबसे पहला पोर्ट आपको दिखाई देगा एचडीएमआई 1.4 आपके प्रोजेक्टर्स या एलईडी टीवी कनेक्ट करने के लिए। साथ में आपको दिखाई देते हैं टाइप सी 3.2। इसके अंदर आपको जो जैक है चार्जिंग के लिए वो यही है, दो हमें टाइप सी मिलते हैं जिससे एक से आप चार्ज कर सकते हैं। किसी भी पोर्ट से आप लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं। लैपटॉप फास्ट चार्ज होता है इससे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन की। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले प्रोसेसर की। इसमें आपको मिलता है AMD Ryzen 5 7530U विद रेडियन ग्राफिक्स के साथ। 7000 जो AMD का प्रोसेसर है वो इस लैपटॉप में आता है। बेस स्पीड की बात करेंगे तो 2GHz बेस स्पीड है। टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बूस्ट अप होकर जाता है 4.5GHz तक। फिजिकल कोर की बात करेंगे तो 6 फिजिकल कोर है और लॉजिकल प्रोसेसर इसके 12 हैं। L3 कैशे आपको मिलती है 16MB की। मेमोरी की बात करेंगे 8GB इसमें रैम है। इसमें DDR4 रैम लगी हुई है, LPDDR4 ऑनबोर्ड रैम होती है, जो जिसकी स्पीड 4266 MHz की आपको मिलती है। दो स्लॉट्स हैं, दोनों ही यूज्ड है, बेसिकली स्लॉट्स नहीं है, चिप है ये ऑनबोर्ड। जब आपको लैपटॉप खोलेंगे हम आपको दिखाएंगे। बात करते हैं डिस्क की। 512GB की QOC की SSD इसमें लगी हुई है, जिसको जिसकी कैपेसिटी आपको मिलती है 477GB। वाईफाई आपको मिलता है इसमें 6E, वाईफाई 6E है आपको इसी में। ब्लूटूथ मिलता है आपको। अगर आप राउटर यूज कर रहे हैं 5G की स्पीड आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी। ग्राफिक्स AMD के सारे प्रोसेसर इनबिल्ट ग्राफिक्स के साथ रहते हैं। प्रोसेसर में ही ग्राफिक्स होता है, चाहे उसमें 512MB की मेमोरी हो या 2GB की। वैसे ये इंटीग्रेटेड होती है, लेकिन इसमें डेडिकेटेड मेमोरी आपको मिलती है। जैसे इंटेल के अंदर इंटीग्रेटेड कोई भी ग्राफिक्स नहीं आता है, AMD के हर प्रोसेसर में आपको मिलता है, जिसमें इसके अंदर जो डेडिकेटेड आपको मेमोरी मिली हुई है वो है 512MB की। देखिए, ग्राफिक्स की चिप इसमें एक्स्ट्रा नहीं होती, ये प्रोसेसर में ही इनबिल्ट होती है। कहीं आप सोचे कि हम इसमें दिखा रहे हैं कि डेडिकेटेड GPU है तो वो डेडिकेटेड ग्राफिक्स की चिप अलग से होगी, वो इसमें नहीं होता। शेयर्ड GPU है, 3.7GB के साथ होता है। अगर टोटल हम ग्राफिक्स की बात करेंगे, डेडिकेटेड GPU मेमोरी और शेयर्ड के साथ मिलकर आपको 4.2GB इसमें आपको मिलती है। डिस्प्ले को देखते हैं तो 14 इंची का फुल HD आपको इसमें डिस्प्ले मिलता है। इसका एस्पेक्ट रेशियो 16:10 है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा है, इसीलिए इसका एस्पेक्ट रेशियो 10:10 है। अगर हम रिजोल्यूशन की बात करेंगे 1920x1200 और अगर निट्स की बात करते हैं तो 250 निट्स के साथ
आपको इसकी स्क्रीन मिलती है टच स्क्रीन। हमें आपको पहले बताया इसका जो रियल लैपटॉप ये टच स्क्रीन के साथ आता है। डेल इसके साथ फुल एचडी कैमरा देता है 1080p का, डुअल डिजिटल माइक्रोफोन एरे के साथ विद टेंपल नॉइस रिडक्शन के साथ। और हम दोस्तों इसमें आपको बता दें इसमें शटर आता है कैमरे का, अगर आप इसको बंद करना चाहें, अगर आप कैमरा यूज नहीं कर रहे तो आप इसका यूज शटर लॉक कर दीजिए। कोई भी अगर लैपटॉप आपका हैक होता है बिना मर्जी आपके, बिना परमिशन के, आपको वो नहीं देख पाएगा। तो चलिए दोस्तों वक्त आ गया लैपटॉप को ओपन करने का, मतलब फिजिकली ओपन यानी बैक पैनल को ओपन करने का। तो दोस्तों लैपटॉप हमारा ओपन हो गया है। यहां देखिए, यहां हमारा प्रोसेसर लगा हुआ है AMD Ryzen 5 7000 सीरीज में जो हीट सिंक के साथ कनेक्टेड है यहाँ फैन पे। यहाँ आपको मिलती है SSD आप अपग्रेड कर सकते हैं 2TB तक लेके जा सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड 1TB होती है। अब मैं यहाँ बात करूँगा, यहाँ वाईफाई लगा हुआ है आपका, ये जितना हमारा मदरबोर्ड ने हिस्सा ले सकता है, बाकी पार्ट्स ने ऑलमोस्ट उससे थोड़ा सा कम हमारा बैटरी ने हिस्सा ले रखा है। देखेंगे 4 सेल की बैटरी है 54 वर्क आवर्स के साथ। अगर आप बैटरी बैकअप की बात करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 8 से 10 घंटे इसका बैटरी बैकअप मिल जाएगा। अब देख रहे होंगे आपको इसमें रैम नहीं दिखाई दे रही, मैंने आपको पहले ही बताया था रैम इस कवर के नीचे है जो ऑनबोर्ड है। इस रैम को आप अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, इसमें LPDDR4 रैम लगी हुई है। जब हम देख रहे थे 4266 की आपको रैम दिखाई दे रही थी। देखिए इस लैपटॉप में अपग्रेडेशन की बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप SSD को अपग्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने अनबॉक्स किया डेल इंस्ट्रॉन 7000 सीरीज में 7435 मॉडल को। देखिए हमने प्रोसेसर देखा राइजन 5 है 7000। हम बात करेंगे अगर इसकी वर्किंग की बात करेंगे तो ये 2-in-1 लैपटॉप है 360 डिग्री। तो देखिए जब भी आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह में यूज करना हो आप यूज कर सकते हैं। ग्राफिक्स इसमें दे रखे हैं, 512 MB की इनबिल्ट ग्राफिक्स की मेमोरी होती है। अगर आप इसमें गेमिंग करना चाहेंगे, जो बेसिक गेमिंग्स होंगी वो आप इसमें कर सकते हैं, नीड फॉर स्पीड हो गई या आप जो भी पहले गेमिंग चल रही थी वो आप सब इसके अंदर कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी आपको जो ग्राफिक्स से रिलेटेड काम होता है जिसमें डेडिकेटेड 4GB की ग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट होती है उनके लिए ये लैपटॉप नहीं है, जिसको हम कहेंगे 3D Max आपको AutoCAD चलाना है। देखिए वो इंस्टॉल हो जाता है लेकिन आप कहेंगे कि एफिशिएंट परफॉर्मेंस प्रॉपर तरीके से स्पीडली वर्क करे, वो इस लैपटॉप में नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ आप इसको लेने के लिए जो मेन मकसद होता है वो टच स्क्रीन है। अगर आपने टच यूज करना है तो आप इस लैपटॉप को ले सकते हैं। वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट ये सब किसी भी लैपटॉप में चल जाते हैं। आपने ऑनलाइन क्लासेस करनी हो या आपने प्रेजेंटेशंस देनी हो, कहीं भी प्रेजेंटेशन देनी हो तो आप इसको टेंट मोड में यूज कर सकते हैं, 360 में कन्वर्ट हो जाता है। आप इसको यूं रख के प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। उसके लिए i3 i5 भी आता है, लेकिन अगर आपको थोड़ी प्रीमियम क्वालिटी मेटल बॉडी में चाहिए जिसके तीनों पार्ट है तो आप इस लैपटॉप के साथ जा सकते हैं। देखिए मेरे को लैपटॉप में इतना मजा नहीं आया क्योंकि जो इसकी थिकनेस है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो डेल माना जाता है अपनी 7000 सीरीज को, जो बहुत एक्सट्रीमली प्रीमियम सीरीज होती है 7000, उसके साथ इसका जस्टिफिकेशन नहीं बैठता। लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस जो प्रोसेसर की वो बहुत अच्छी है, 7000 प्रोसेसर है। आपने इसमें जो भी वर्किंग करना चाहते हैं, पावर पॉइंट, आपने पावर पॉइंट के अलावा ये तो बेसिक हो गया, आपने फोटोशॉप चलाना, आपने कोरल ड्रॉ चलाना, आप वो इस पे वर्किंग कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। इसकी जो प्राइसिंग है मार्केट में आपको ये अप्रोक्सीमेटली 80,000 के आसपास आपको मिल जाएगा। डेल इसके साथ 1 ईयर की ऑनसाइट वारंटी देता है, अगर आप एक्सटेंड कराना चाहें तो आप वो भी एक्सटेंड कराना कर सकते हैं। डेल टाइम टू टाइम ऑफर्स देता रहता है और एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन भी आप ले सकते हैं। टच स्क्रीन का लैपटॉप है, मैं आपको ये रिकमेंड जरूर करूंगा कि जब भी आप डेल एक्सक्लूसिव स्टोर पे लैपटॉप लेने जाएं तो आप इस लैपटॉप के साथ खास तौर से एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये लैपटॉप्स जो टच स्क्रीन के साथ आते हैं उनकी स्क्रीन काफी कॉस्टली होती है, डेलिकेट होती है। कभी भी आपका यहाँ पे डैमेज हो गया तो स्क्रीन की कॉस्ट इतनी मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर मेरे को जहां तक पता है 20 से 25,000 आपकी स्क्रीन की कॉस्ट लग जाएगी, इसलिए एक्सीडेंटल प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, और हाँ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे भी
नए नए लॉन्च जिनके लैपटॉप के होंगे, हम कोशिश करेंगे सबके रिव्यू लेके आएंगे, और हर लैपटॉप की हम हमेशा कोशिश करते हैं उसका बैक पैनल आपको ओपन करके दिखाएं, जिससे आपके माइंड में कोई भी डाउट ना रहे कि वो अपग्रेड हो सकता है या नहीं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए लैपटॉप के साथ। धन्यवाद।